बीसीसीएल की बसंती माता दहीबाड़ी एरिया 12 में कोयले में भूमिगत आग लगी हुई है, जिस कारण वहां पर रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई लोग दूसरे क्षेत्र में पलायन कर चुके हैं। कुछ परिवार मौत के साए में यही जीने को मजबूर हैं। भूमिगत आग का प्रकोप इतना ज्यादा है कि आसपास के घरों में भयंकर रूप से दरारें पड़ गई हैं, सड़कें फट गई हैं। जो दरारें पड़ गई हैं उसमें गैस का रिसाव लगातार हो रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि आसपास का क्षेत्र और सड़क कभी भी जमींदोज हो सकता है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं। भूमिगत आग के कारण मुगमा दहीबाड़ी का मुख्य सड़क मार्ग भी बुरी तरीके से दरारें पड़ गई हैं। इनमें जिन दरारों से गैस रिसाव हो रहा है और इस सड़क मार्ग से हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। इसी सड़क मार्ग से छोटे छोटे बच्चों का स्कूल आना जाना है। अगर किसी दिन कोई अप्रिय घटना घटी तो ना जाने कितने लोग काल के गाल में समा जाएंगे। बीसीसीएल एरिया की बसंती माता के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है भूमिगत आग इस प्रकार से फैली हुई है कि लोग यहाँ घर छोड़ के जाने को मजबूर हैं, क्योंकि प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आग की भारी लपटें हैं जिस कारण घर फट चुके हैं बुरी तरीके से, सड़क फट गई है और लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि पीछे वो आग के कारण धुएं को निकलता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार धुआं निकल रहा है और किस प्रकार घर आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी स्थिति कैसी बद से बदतर हो गई है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिस कारण यहाँ से लोग अपने घर बार को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। आग लगा हुआ है अंदर में और उसके बाद इतना गर्मी है, यहाँ राहत बहुत ख़राब है, चलने लायक तो ऐसा नहीं है, देख ही रहे हैं रास्ता बहुत ख़राब है, फट गया है एकदम, चारों तरफ आग से भरा हुआ है। अभी तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देख ही रहे हैं कि हाल बहुत, यहाँ का हालत बहुत ख़राब है। आदमी यहाँ से जा रहा है, बाहर जा रहा है, घर बना रहा है, दूसरा जगह जा रहा है, उठ के यहाँ से एक तो गर्मी है, ऊपर से गैस फेंकता जहरीला गैस है, बाल बच्चा लेके हम लोग अंदर में सो नहीं पाते, दिन रात रास्ता में भी पूरा पार होते रहता, गाड़ी बाल बच्चा और सब स्कूल जाते रहता, बहुत दिक्कत, पीने का पानी भी, पीने का पानी भी दिक्कत हो जाता है, ये आग के कारण से पाइप लाइन सब ये हो गया है। तो प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान देता है कि नहीं? कुछ नहीं ध्यान दे रहा, सब कोई चला गया यहाँ से, बस हम लोग दो तीन बचे हुए हैं, हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना जगह दिया जा रहा, ना कुछ दिया जा रहा, मुआवजा दिया जा रहा, हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। इतना सामने 50 मीटर का आगे बस आग लगा हुआ है, कितना दूर है बताइए, बहुत परेशानी होता है। एक तो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा हम लोग को गैस खाली फेंक रहा है, गर्म गैस। अच्छा, रोड के किनारे रोड पूरा फाड़ दिया है, तो पूरा रोड से धुआं निकल रहा है, कभी भी वो बैठ सकता है, गोप हो सकता है। ज्यादा सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर, आग लगा हुआ है आगे, तो सर आग आर से पार हो नहीं सकते सर, अभी रोड पूरा फट चुका है, हो सके तो नीचे धस भी सकता है, या धस ही जाएगा तो हम भी लोग कहाँ चल जाएंगे, हम लोग का तो कुछ तो मुआवजा देना चाहिए, जो भी है घर ही मुआवजा दो या जमीन दो या भी जो भी दो, लेकिन मुआवजा दो। यहाँ के बीसीसीएल प्रबंधन हमेशा लापरवाही कर रही है, हम लोग यहाँ के ग्रामीण विस्थापित जो आदमी लड़ाई लड़ रहे हैं इसका, आज मोटा मोटी 6 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, सारे आदमी आग के में जूझ रहे हैं और यहाँ जो एक जहरीले गैस निकल रहे हैं इससे यहाँ के बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं, और ये जो PWD का रोड है इसको भी क्षतिग्रस्त किया जा रहा है मैनेजमेंट की बीसीएल का माइंस से, और इसके बदले में ना ये लोग कोई दूसरे रास्ता का व्यवस्था किया कुछ, इस रास्ते में चलने वाले गाड़ी सोचिए तो ये हमारे पतलावाड़ी बेनागुड़िया से ले कर मोगमा मार्ग का मेन रोड है ये, और ये रोड कभी भी धस सकती है। निरसा से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।